वेलकम फ्रेंड्स, एआरजे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीट की भर्ती में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कौन कौन से दस्तावेज़, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आज ही के दिन ये आपके लिए 3 वीडियो बनाए थे, और इसी क्रम के अंदर आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। ये आपके लिए जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं उनकी सूची है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो दिशा निर्देश जारी किए हैं विभाग के द्वारा, वह दिशा निर्देश आप एक बार अवश्य देख लें। ये जो आप देख रहे हैं ये है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये सूचना जारी की गई है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बार इसको आप रीड कर लें कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल द्वितीय के 28,000 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 31/7/2018 को पदवार विज्ञप्तियां जारी कर दिनांक 5/8/18 से 25/8/18 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं यथा आरटेट और रीट के प्राप्तांकों के आधार पर पद विशेष हेतु विज्ञप्ति वर्गवार पदों की सीमा और अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया जाकर चयन सूचियाँ और अंतिम कट ऑफ जारी किए गए हैं। उक्त भर्ती में विभिन्न पदों पर प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। अभी तक प्रोविजनल अभ्यर्थी ही बताया, अभी तक चयनित अभ्यर्थी नहीं बताया है। कारण इसका देखिए, आप ये नीचे बताएं, इन्होंने एक नंबर पे इन्होंने दिया कि विभाग द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही प्रोविजनल चयन किया गया है और प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच नहीं की गई है। अतः प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन उपरांत पाए जाने पर नियुक्ति के अधिकारी होंगे और प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति के अधिकारी नहीं होगा। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट दिया है कि प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी की पात्रता की जांच संबंधित जिले की जिला परिषद द्वारा किया जाकर पात्र पाए जाने पर ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है, प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी उनका आवंटित जिले की जिला परिषद से संपर्क कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित तिथि को जिला परिषद में अपने संपूर्ण मूल दस्तावेजों सहित व्यक्ति से क्रम से उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराएं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जो जिला मिला है उस जिले की जिला परिषद के लगातार संपर्क में रहें और जिला परिषद वो कब दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी, आपको ये जानकारी लेनी चाहिए। और जैसे ही जो जिला परिषद है वो दस्तावेज सत्यापन कराएगी उसमें आप पहुँचें और दस्तावेज सत्यापन कराएँ। अगला आपका पॉइंट है 4 नंबर, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में स्नातक प्राप्तांक प्रतिशत में छूट प्राप्त की है उन्हें संबंधित वर्ग का सक्षम स्तर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अधिकतम आयु सीमा या न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्राप्त की तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी OBC नॉन क्रिमिलेयर में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये उनके लिए है जिन्होंने छूट के लिए आवेदन किया था। अगला 5वां पॉइंट है, अभ्यर्थी को स्नातक या समकक्ष की सभी वर्षों की अंकतालिकाएँ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। ये तो आप जानते हैं कि जब दस्तावेज सत्यापन में आप जा रहे हैं तो सारी जो मार्कशीट वगैरह, और भी इसके अंदर वीडियो में बताऊंगा नीचे की तरफ कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, जो शपथ पत्र उनके प्रारूप भी इसमें बताऊँगा मैं आपको। अभ्यर्थियों को राजस्थान पात्रता परीक्षा में मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी आरटेट और रीट प्रमाण पत्र में लेवल द्वितीय परीक्षा में प्राप्तांक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर उपलब्ध आरटेट के प्राप्तांक समान है। यदि अंकों में अंतर पाया जाता है तो अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है, आपको पता ही होगा कि कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से अपने नंबर बढ़ाकर फिर आवेदन कर दिया था, तो ये उनके लिए है। और यदि अभ्यर्थी के अनुसार उनके आरटेट और रीट के प्रमाण पत्र के अंक समान नहीं है तो बोर्ड की वेबसाइट पर अंक सही नहीं आ रहे हैं तो इस संबंध में अभ्यर्थी को बोर्ड को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगला है कि उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 31/7/2018 को जारी की गई विस्तृत विज्ञप्ति और संशोधित नियमों का विस्तृत अध्ययन कर पात्रता की जाँच करावें। और उसके बाद में ये दिया गया है कि अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप के अनुसार घोषणा और शपथ पत्र बनवाकर संलग्न सूची के अनुसार दस्तावेजों की क्रम निर्धारित कर संबंधित जिला परिषद को स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें। स्वप्रमाणित कर दो तो आपको खुद के साइन करने हैं, जो फोटोकॉपी आप तैयार कराएंगे एक फोटोकॉपी का बंच उसमें आपको खुद के साइन करने हैं, स्वप्रमाणित करने हैं। अगला आपका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट, कट ऑफ एवं जिला आवंटन में यथासंभव पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि किसी अभ्यर्थी को अपनी प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार की उचित कानूनी या नियम
नियम संगत आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति विभाग की ईमेल आईडी privedana.niyukti2018@gmail.com पर दिनांक 7/9/2018 तक साई 6 बजे तक उचित कारणों सहित सह प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। नियुक्ति निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत करने पर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये तो कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन जो दी गई थी वो थी, और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको अभ्यर्थी को भर के देना है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय अंतर्गत प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी का विवरण। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP और नॉन TSP दोनों के लिए है। यहाँ जिला लिखना है, उसके बाद में आपका पद का नाम और विषय लिखना है, मेरिट नंबर लिखने हैं, एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, कैटेगरी और अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर। अगला जो है ये है दस्तावेज और प्रमाण पत्र हैं। ये क्या आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं, एक तो मूल आवेदन पत्र की प्रति, जो आपने आवेदन किया था उसकी प्रति आपके पास जो है वह आपको लेके आनी है। घोषणा पत्र उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में, एक शपथ पत्र जो भी निर्धारित प्रारूप है उसके अंदर जितने भी घोषणा पत्र और शपथ पत्र है उनके निर्धारित प्रारूप है। ये आप वीडियो के जो लिंक है उस लिंक में देख लें, लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को आप देख लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन को। अगला है सेकेंडरी या समकक्ष की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति यानी 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक और समकक्ष के तीनों वर्षों की अंक तालिका और स्व प्रमाणित प्रति, मतलब जो ग्रेजुएशन आपने की उसके तीनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों साल की मार्कशीट और उनकी स्व प्रमाणित प्रति। अगला है स्नातकोत्तर की अंक तालिका की स्व प्रमाण यानी अगर आपने पीजी डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MSc MA MCom किया है तो उसकी डिग्री, BSTC BEd और समकक्ष की अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति, ये आप समझ गए, और मूल निवास की स्व प्रमाणित प्रति, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति, और यहाँ पे इसमें दिया गया है कि OBC और जो MBC है उनके लिए जो प्रमाण पत्र है ये पुराना नहीं होना चाहिए, जो वैध होना चाहिए, मतलब ये इसमें बताया गया है। अगला है शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आपने छूट चाहिए है दिव्यांग के कोटे से तो आपको ये दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ पे पेश करना होगा। विधवा की स्थिति के अंदर स्वयं का शपथ पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रति, एक तो शपथ पत्र देना होगा कि मैं विधवा होने की स्थिति में, और दूसरा देना होगा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, स्व प्रमाणित प्रति। अगला है तलाकशुदा होने पर न्यायालय या डिग्री की स्व प्रमाणित प्रति, अभ्यर्थी के वर्तमान में शिक्षक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा जारी होना चाहिए, RTET या रीट जो भी आपका है उसका प्रमाण पत्र 60% से अधिक अंकों का, और TSP ST के अभ्यर्थी के मामले में 36% से उत्तीर्ण की है तो, और विवाहित होने की स्थिति में दहेज नहीं लेने या नहीं देने का स्व घोषणा पत्र होना चाहिए, आयोग या भर्ती बोर्ड या अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किए जाने का शपथ पत्र कि मुझे किसी भर्ती परीक्षा के अंदर वंचित नहीं किया गया है। अगला है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति यदि शादी हो रखी है तो, और संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये आपको यहाँ पे देने होंगे। इधर आपको संलग्नक हैं उनके जो सीरियलिटी है यहाँ पे ये डालनी है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल संलग्नक जो हैं उनकी संख्या लिखनी है, और भी अगर आपकी तरफ से कुछ होता है एक्स्ट्रा जो आपके पास होता है तो वो आप यहाँ पे लिख देवें इसके अंदर। और उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो ये आपके नीचे की तरफ आपके ये जो कुछ घोषणा पत्र हैं आवेदक का घोषणा पत्र ये दिए गए हैं, इनको आप देख लें एक बार। एक घोषणा पत्र और है वो नीचे की तरफ दिया गया है, एक बार आप इसको देख लें कि ये वैसे है कि जो आपने जो भर्ती के संबंध में है कि मैं शुल्क जमा कराने के लिए नहीं कहूँगा या फिर मैंने कोई न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं हूँ, इसी तरह की कुछ शर्तें हैं जो NCT की गाइडलाइन के अनुसार मैं पात्रता रखता हूँ, और ये जो मेरे जो प्रमाण पत्र है वैध हैं, कोई तथ्य छुपाया नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कही गई है, एक बार आप भी इसको पढ़ लेवे। जो कुछ शर्तें हैं ये आपसे यहाँ पे उसके बाद में हस्ताक्षर करने हैं, और यहाँ दिनांक, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपके मोबाइल नंबर अवश्य लिख देवें आप इसमें। अगला जो घोषणा पत्र है वो आप देख लेवें एक बार, ये शपथ पत्र है अगला, ये आपको शपथ पत्र ये आपको भरना है, और इसके अंदर बताया गया है कि एक तो है कि ये पहला है कि मैंने जो जितने भी दिशा निर्देश है ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इन दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और उसके बाद में ये दिया गया कि मैं अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रखता हूँ। उसके बाद में ये भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो वैसे नॉर्मली सारे नॉर्मली पॉइंट हैं, ये किसी आपराधिक कृत्य के लिए मुझे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया वगैरह वगैरह ये कुछ है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें
और उसके बाद में यहाँ पे हस्ताक्षर कर देवे। और ये आपका स्व सत्यापन है कि जो मैंने जितनी भी जानकारी दी है फॉर्म के अंदर, ये सारी जानकारी सही और सत्य है। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहाँ भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कुछ भी नया आएगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूँगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहें। अगर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है, तो आप अपने मोबाइल को जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नाम के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसमें जो कुछ भी मैटर में टाइम टाइम के ऊपर अपडेट कराऊंगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।